टमाटर का हम सबसे पहले रोप नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी के बाद में गर्मियों में खेत की तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद में जब बारिश होती है, ड्रिप वगैरह फैला के, और जब बारिश होती है जब हम पौधों की चुपाई करवा देते हैं। उसके बाद में हम ये बांस और ये तार लगा देते हैं, जब तक पौधे बड़े हो जाते हैं, और उसको जो रस्सियों से बंधवा देते हैं। टमाटर में मुख्य रूप से ब्लाइट, मतलब लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, मुख्य रूप से इसमें बीमारी लगती है, और उसके लिए हम समय समय पे स्प्रे करवाते रहते हैं। टमाटर में हम बांस गड़वा के उसके बाद में जो ये तार बंधवा देते हैं, तार प्रत्येक पौधे को हम रस्सी से बंधवाते हैं ताकि पौधा नीचे ज़मीन पे गिरे नहीं, और उससे हमारा जो फल है वो, फल अगर नीचे गिरेगा तो फल मिट्टी लगेगी, उसमें फल में सड़ने की समस्या रहती है, और उसमें हमें तोड़ने में, खेत में घूमने फिरने में भी असुविधा होती है, इसलिए इसको पौधे को खड़ा रखा जाता है तार और बांस के सहारे, ताकि हम लाइनों में आसानी से घूम सकें और तुड़ाई कर सकें। टमाटर मैंने 1 हेक्टेयर में लगा रखा है, और इसमें लगभग 50 से लेकर 70 कैरेट प्रतिदिन तोड़ते हैं। इसमें हमें लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग 5 लाख का इनकम हो जाता है। ये पूरा हमारा फसल लगा हुआ है, और ये बस अब ये पकने की तैयारी है। वैसे ये पकने भी लग गए हैं, अब तोड़ने की तैयारी है बस। इसमें तोड़ने में मुख तोड़ने के लिए मुख्य रूप से अधपका का जो फल फल रहता है उसको तोड़ते हैं, ताकि हम जैसे कि कल मंडी करेंगे तो उसमें फल हमारा ज़्यादा लूज नहीं होगा, और मंडी तक आसानी से पहुंच जाता है। मुख्य रूप से वैसे तुड़ई हमें सुबह या शाम के टाइम करना चाहिए, ताकि हमारा जो फल है वो तेज़ धूप से सुरक्षित रहे, टूटा हुआ फल। ये हमने पूरे खेत में ड्रिप लगा रखा है, और ड्रिप के ही द्वारा हमारा पूरा खाद है, और जो ड्रिंक ड्रिंक चलती है जो फंजीसाइड की, वो भी बाई वेंचुरी पूरे खेत में चला जाता है। हम पूरे खेत में खाद एक साथ दे सकते हैं। इसमें हमारे समय की भी बचत हो जाती है, और मजदूर की भी बचत हो जाती है, और पौधे को खाद भी तुरंत में जिस टाइम चाहिए उसी टाइम पे पौधे को खाद भी उसी टाइम उपलब्ध हो जाता है। ये हमारा कुएं से पाइपलाइन अंदर डाला हुआ है, और ये है हमारा पूरा पाइपलाइन। इसी में हमारी जो ड्रिप की जो नलियाँ हैं ये फिट है, और इसी के द्वारा पानी जो खेत को सिंचाई होती है। ये कुएं में मोटर लगा हुआ है, और इससे जो ये फिल्टर है जिससे कि पानी साफ होके हमारी जो ड्रिप नली को चोक नहीं करे, इसलिए ये फिल्टर लगा हुआ है। और ये है वेंचुरी, इससे जो हम ड्रम में जो खाद, जो घुलनशील खाद रहती है उसको घोल के, और इसी के द्वारा है जो ड्रिप में जाता है और खेत में जो खाद पहुंच जाता है। हमें इससे जो फसल में जो खाद समय पे मिल जाता है, और आसानी भी होती है, और हमें लेबर की बचत भी होती है।